नमस्कार साथियों, आज जन सरोकार मंच पर लाइव आने का मौका मिला तो मैं सभी उपस्थित सज्जनों को प्रणाम करती हूँ। और जिनके भी भीतर उपजा होगा, आदरणीय नेगी साहब जिनने की पाती लेखन प्रक्रिया को प्रारंभ करवाया था, और जन सरोकार मंच जो कि इन सरोकारों को रूबरू आपके सामने पेश करने के लिए हमें अवसर दिया, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज कि हमने लिखकर जिस चीज को अभिव्यक्त किया था, आज उसे हम अपने शब्दों में बयां कर पाएंगे। और इसका लाभ यह होगा कि उससे के पीछे छुपी हुई जो भावनाएं हैं वो भी आम सदस्यों तक पहुंच पाएंगी, हमारी बेटियों को पहुंच पाएंगी। मैं बिटिया के नाम पे एक पाती है उसको पढ़ने जा रही हूँ, और इसे जो माँ की पाती बेटी के नाम थी उसमें स्थान भी मिला है। और देखिए कितना नाजुक सा, कितनी संवेदनशीलता का समय है कि मैं इच्छा हुई थी कि आज कुछ नया लिखूं और मैं उसको आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूं, पर फिर पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि नहीं, वो जो छप गया है वो भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। कई बेटियों से उम्मीद तो है कि वो आए और पहुंचे और इसको सुने जरूर, ताकि मेरी भावनाएं उन तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय बिटिया रानी, सदा प्रसन्न रहो। उम्मीद है तुम यह पत्र पढ़ पा रही होंगी और यह पत्र तुम्हें पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न चित्त पाएगा। एक बार तो पत्र हाथ में लेते से ही ना तुम्हारी हंसी छूटेगी। क्या मम्मी, आप भी इस ग्लोबल टाइम में, इतने संचार साधनों के दौर में जहां हम फेसबुक लाइव या व्हाट्सएप लाइव के रूप में आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं, बतिया सकते हैं खूब, और उसकी जगह आप ये कागज और कलम थामे बैठ गई, फिर तुम सीधे हाथ से अपना माथा ठोकोगी। अरे मेरी माँ भी ना पागल है, बिल्कुल पागल, या फिर ना वो छोटी सी मासूम बच्ची है, उसे दुनिया में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं। उसे वो हवा जो इस वैश्विक परिदृश्य में बह रही है अभी तक शायद छुआ ही नहीं। और इसके बाद तुम मेरे पत्र को चूमोगी और फिर पैर फैलाकर आराम से पलंग पे बैठोगी और इत्मीनान से मेरे पत्र को पढ़ोगी। शब्दों में तुम्हें मेरा चेहरा भी दिखाई देगा और हाथों को स्पर्श का लाभ, स्पर्श का आभास भी होगा। यह स्पर्श वास्तविक होगा और इंटरनेट के भ्रमजाल की तरह आभासी नहीं होगा। इस चीज को तुम महसूस करके देखना। देखो हुआ ना, छुआ ना तुमने, और आंखों की कोर से दो बेशकीमती मोती देखो देखो तुम्हारे गालों पे भी लुढ़क कर आ गए। हुआ ना ऐसा बेटा? हाँ, ये वही मोती हैं जो मेरी आंखों में नमी बनकर मेरे चश्मे को धुंधला बना रहे हैं। बार बार ये चश्मा पहुंचने के बाद भी धुंधलका बरकरार है। और यहां, और ये तुम्हारी आंखों के कचरे के साथ देखो कैसे बह गए। अब तुम्हें मेरा चेहरा भी दिख रहा है और एक एक शब्द ही स्पष्ट हो रहा है। मुझे उम्मीद है तुम मेरे शब्द ही नहीं, उनमें छिपे भावों को भी समझ पाओगी। मात्र शैक्षणिक डिग्री की खातिर अपने कलेजे के टुकड़े को इतनी दूर भेजना सिवाय मेरी मजबूरी के और कुछ नहीं। तुम्हारे यौवन की ऊर्जा हमारी प्रौढ़ अवस्था की आवश्यकता है बिटिया। हर पल हमें तुम्हारी जरूरत है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से बचपन में तुम्हें हमारी हुआ करती थी और तुम्हारी हर आवश्यकता पर हम निहाल हो जाया करती थी।
और तुम्हारी आवश्यकता पूर्ति में पूरी तरह से समर्पित हो जाया करते थे और कर भी देते थे अपने आप को समर्पित। ओह, हम भी किसी की जरूरत है। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें भी किसी की जरूरत बना दिया। तेरा लाख लाख शुक्रिया ऊपर वाली। और अब कितना पलट गया ना समय, जब हम कहते हैं कि बिटिया दीपावली पर जल्दी घर आना, घर ना बहुत गंदा हो गया है, पंखों पर मकड़ियों ने अपना डेरा बना लिया है और पुस्तकों की अलमारी धूल से अट्टी पड़ी है, कपड़ों की जो अलमारी है ना वो भी बेतरतीब जंगल की तरह हो गई है बेटा, कभी चिड़िया कुछ हाथ में नहीं मिलता, कोई कपड़ा नहीं हाथ में आता, सलवार ढूंढती हूँ तो चुन्नी खो जाती है, कभी साड़ी पहननी होती तो ब्लाउज नहीं मिलता, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जंगल में आ गए हम तो बेतरतीब, जहाँ शेर शेरनी, गाय बैल बकरा बकरी एक साथ कभी ढूंढे नहीं मिलते, कभी चिड़िया हाथी की सवारी करती नजर आ जाती है तो कभी सियार मुर्गे की बगल में खड़ा नजर आता है, और हम तुम्हारे बिना बेचारे क्या करें, सफेद बगुले पर काले कौओं को उठा और फैशन परेड का हिस्सा बन जाते हैं, तुम समझ रही हो ना बेटा, ऐसा होता है कि कभी चुन्नी नहीं मिल रही तो ठीक है, जो लाल मिली तो लाल डाल ली, पीली मिली तो पीली डाल ली, अब ठीक है फैशन है हम ऐसा मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि उस वक्त हमें तुम्हारी जरूरत होती है बेटा, काश तुम होती तो हमें ढूंढ कर दे देती मैचिंग, पर आज स्थिति यह है कि हम अपनी आवश्यकता तुम तक खुले रूप में नहीं पहुंचा पा रहे, समय के साथ प्रतीक्षा करते हैं कि हमारी इच्छा हमारी आवश्यकता कभी तो तुम तक पहुंचेगी, और पलक झपकते ही हमारे आशियाने की रौनक लौट आएगी। खैर छोड़ो, जाने भी दो। हाँ बेटा, एक ना जरूरी बात करनी थी, वह ये कि तुम सवेरे सवेरे नहा धोकर ईश्वर के सम्मुख पुष्पांजलि, दीप प्रज्वलन या ईश स्तुति जो भी तुम्हारे लिए संभव हो कर पाना वह न कर लिया करो बेटा, ऐसा करने से ना ईश्वर रूपी अज्ञात सर्वशक्तिमान का जो सहारा है वह हमें मिल जाता है, और हम भी थोड़े से निश्चिंत हो जाएंगे कि हम इतनी दूर हैं, कोई बात नहीं, ईश्वर तो तुम्हारे साथ है, और इससे क्या होगा कि तुमको भी एक उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा और तुमको अपने आप के ताकतवर होने का एहसास मिलेगा। ईश्वर का एहसास हमें कमजोरी आ जाती है उसे टूटने नहीं देता, और ऐसे में लक्ष्य प्राप्ति की जो संभावना है वो बलवती हो जाती है, अनजाने ही हम दृष्टि भ्रम से बच जाते हैं, ईश्वर का हाथ सदैव हमारे सर पर रहता है बेटा, ये सच है। हमने अपने बच्चों की परवरिश में जेंडर संवेदनशीलता का विशेष ख्याल रखा है, तुम्हें और तुम्हारे भाई के मध्य कभी कोई भेदभाव या अंतर नहीं रखा, मगर अब जब तुम यौवन की दहलीज लांघ चुकी हो, हमें कभी कभी अपने पर भी ना कुछ कुछ खतरा सा दिखाई देने लगता है, कारण कि बेटियां हीरे की तरह कोमल और पारदर्शी होती हैं और बेटे कोयले की तरह कठोर। समान परवरिश के बावजूद भी यह प्राकृतिक अंतर रह जाता है, जिसकी वजह से बेटियों को विशिष्ट साज और संभाल की जरूरत पड़ जाती है। फिर तुम्हारी नन्ही सी भूल भी हमारी परवरिश पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने से नहीं चुकती बेटा, हमें अपनी नन्ही सी गुड़िया को विशेष हिदायतें समझाने देने का मन करता है। हो सकता है यहां हम स्वार्थी हो गए हों कि अपनी नाक की खातिर तुम पर कुछ विशेष जज्बात थोप रहे हैं, पर जो भी बेटा, कुछ जो समझना चाहो समझ लेना बेटा, पर हमारी परवरिश पर आंच ना आने देना, तुम जानती हो ना
अपने घर में हम जो चाय नियमित रूप से बनाते हैं, पीते हैं, और जो चाय के कप नियमित रूप से काम में लेते हैं, उन्हें हम जैसे मर्जी लापरवाही से प्रयोग कर लेते हैं। कभी यूं ही सिंक में भी छोड़ देते हैं, कभी डाइनिंग टेबल पर भी पड़े रह जाते हैं। मगर वह येरा की क्रॉकरी जो कि हम विशिष्ट मेहमानों के आने पर ही प्रयोग में लेते हैं, उसे कभी नहीं छोड़ते। ऐसे हाथों हाथ साफ करके पहुंच के और उसको उसके बॉक्स में जमा देते हैं, उस पर पानी का दाग भी नहीं लगने देते। उसके प्रति जरा सी भी लापरवाही नहीं होने देते, उसकी कोमलता को बनाए रखते हैं, बचाए रखते हैं। तुम समझ रही हो ना बिटिया, माँ अपनी माँ का आशय, तुम ना मेरी हीरा की कुकरी हो, क्रॉकरी हो, बहुत कीमती और बहुत नाजुक, बहुत संवेदनशील, जिसे संभाल के रखना हर पल मुझे जरूरी लगता है। बेटा सच है ये कि दुनिया में दोस्ती से बढ़कर कोई और नेमत नहीं होती। दोस्ती वह रिश्ता है जो हम बनाते हैं। दोस्तों का चुनाव करते तो नहीं है, पर स्वतः ही दोस्त चुन लिए जाते हैं। यह ईश्वर का अनूठा उपहार है, जिसके साथ समय का कभी पता ही नहीं चलता। बिटिया, हम भी इसी उम्र के दौर से गुजरे हैं। हम चाहते हैं कि तुम भी अपनी इस उम्र का भरपूर आनंद लो। सुनहरी उम्र दोबारा लौटकर नहीं आने वाली, अतः अपने संस्कारों रूपी चादर को लपेटे तुम्हें इसका भरपूर मजा लेना है बेटा। मगर अपनी नजाकत और नफासत को भी यों ही बरकरार रखना है। संस्कारों का बोझ ढोना नहीं है बेटा, समझ रही हो ना, संस्कारों का बोझ ढोना नहीं है तुम्हें, बस संस्कारों के पार ताकि भविष्य में मात्र दो परिवारों ही नहीं वरन संपूर्ण समाज की आन बान और शान की कारक बनी रह पाओ। स्थायी सुख पर कभी भी क्षणिक सुख को हावी मत होने देना बेटा। निर्णायक भूमिका में तुम्हें स्वयं ही रहना है। जानती हो, बगीचे में फिसल पट्टी होती है ना, वह मात्र मनोरंजन का साधन ही नहीं होती, वरन बचपन में ही हम फिसलते फिसलते इस बात को समझ जाते हैं कि फिसलने में जो आनंद है, ऐसा है, वह सीढ़ियां चढ़ने में नहीं है। क्योंकि सीढ़ी चढ़ने में जो ताकत लगती है, फिसलने में नहीं लगती ना बेटा। तत्काल हम फिसलते हुए ऊपर से नीचे आ जाते हैं एक पल में। किसी भी पायदान पर हमारा पैर डगमगाया तो हम पल भर में नीचे आ जाते हैं, भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। फिर ऊपरी हिस्से पर भीड़ नहीं होती, समझ रही हो ना, ऊपरी हिस्से पर भीड़ नहीं होती, और वहां पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, और वहां अपने आप को बनाए रखने के लिए और भी हौसले की जरूरत होती है बेटा। नीचे खड़े प्रत्येक व्यक्ति को सर उठाने पर ऊंचाई वाला व्यक्ति तो दिखाई दे जाता है, पर नीचे भीड़ में पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हमारी पहचान भी खो जाती है। ऊंचाई पर नीचे होने से नीचे वाले व्यक्तियों को सर झुकाकर देखा जा सकता है, अर्थात ऊपर वाले की गर्दन झुकी होना उसकी विनम्रता का परिचायक है, और नीचे वालों का सर उठाकर देखना गौरव का प्रतीक है। ऊपर वाले व्यक्ति के प्रति गौरव का मान स्वतः ही हो जाता है। बिटिया रानी, एक बात याद रखना कि एक बार फिसल कर नीचे आ गए ना, तो गर्दन झुकाना विनम्रता का प्रतीक नहीं होगा। फिसलने का क्षणिक आनंद क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। अतः प्यारी बिटिया, हमेशा क्षणिक आनंद के बजाय
स्थायी आनंद को वरीयता देना, ताकि लंबे समय तक तुम आनंदमय जीवन जी सको। दोस्तों के साथ खूब हंसना, खेलना, बतियाना, मगर इतना हल्का मत हो जाना कि धूल भरी आंधियों का हिस्सा हो जाओ। अपने विचारों में संस्कारों का वजन रखना बेटा, ताकि धूल भरी आंधियां तुम्हें उड़ा ना पाए, तुम अटल शिखर से खड़ी रह पाओ। बिटिया, भारतीय मान्यताओं, परंपराओं और संस्कारों, या तुम जो भी समझ पाओ, या आम भारतीय सामाजिक व्यवहार में बहुत ताकत होती है बेटा। हम जब तक उनसे बंधे रहते हैं तो वो भी हमें अपने आप से बांधकर वजनदार बना देती है। वैश्वीकरण के इस युग में पाश्चात्यकरण की जो हवा है ना, वो हमें हल्का बनाकर उड़ाने की ताकत रखती है, मगर वह हमें कब, कहां, किस दिशा में उड़ा के ले जाए कहा नहीं जा सकता। क्योंकि एक बार धरती से पैर ऊपर उठने के बाद धरती रूपी संस्कारों का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उससे हम दूर हो जाते हैं, और फिर रुकना चाहें या अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहें तब भी हम लौट नहीं पाते। बेटा, हमारे भारतीय संस्कारों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। हम उनसे जुड़ कितना ही ऊपर उड़ लें, वे हमें थामे रखती हैं, वट वृक्ष की तरह गिरने नहीं देती। ठीक उसी प्रकार कि पतंग की जब तक डोर के माध्यम से चक्री में बंधी होती है, ऊपर आसमां में खूब अटकेलियां कर पाती है वो, और करती रहती है, मगर जैसे ही डोर चक्री और पतंग का संबंध छूटा तो ऊंचाई की तरफ उड़ती हुई पतंग कटकर कब और कहां, किस दशा में गिरेगी, किस दिशा में गिरेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। सिर्फ यही शाश्वत सत्य है कि वह गिरेगी अवश्य। जहां गिरेगी वो कटीले वृक्ष, धरती, पहाड़, समुंदर, कुछ भी हो सकता है। समझ रही हो ना मेरी बातों का आशय? अच्छा बेटा, आज मेरी बहुत बातें हो गई, दिल का ना बोझ उतर गया। मुझे वैसे तुम पर पूरा भरोसा है और पूरी जानकारी है कि तुम उसे बना के भी रखोगी, पर उसके बावजूद भी कभी कभी इच्छा हो जाती है कि तुमसे ये सब चीजें कह दूं। किसी भी जीत की जरूरत हो तो बेटा बता देना, फोन तो तुम्हारे हाथ में है ही, हम तुरंत तुम्हारी उस आवश्यकता की आपूर्ति को तत्पर रहेंगे। अच्छा बेटा, बहुत हुआ, अब मेरा टाइम भी खत्म होने वाला है, कुछ घर के रसोई के काम भी करने हैं। तो ठीक है बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद, ढेरों शुभकामनाएं, तुम अपने जीवन में खूब आगे बढ़ो और ऊंचाइयों को छुओ जहां तक तुम पहुंचना चाहती हो, और उससे ऊपर तक तुम्हें ईश्वर पहुंचा पाए, जहां लोग तुम्हें देखकर कहें कि बेटी हो तो ऐसी। तुम पर मुझे भी नाज हो, मेरे पूरे परिवार को नाज हो, और हमारे समाज को नाज हो कि लोग ये कह पाए बेटी हो तो ऐसे। अच्छा बेटा, बाय, फिर मिलेंगे, तुम्हारी माँ, याद रखना।